सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप GTA San Andreas Netflix को इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल में, आपको जब भी यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन करते हैं, इंस्टॉल करने का ट्राई करते हैं, आपको दिखाता है योर डिवाइस इज़ नॉट कंपेटेबल विद दिस वर्जन, मतलब कि आपका जो मोबाइल का वर्जन है वो इस गेम के लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो इसे आप इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई और प्रॉब्लम आ चुकी है जिसकी वजह से आप इसको इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं, आपको ये एरर आ रहा है। ये किन मोबाइल्स में चल सकती है जिनका वर्जन यहाँ पर एंड्रॉयड 11 हो या इससे ऊपर का हो, तो उन मोबाइल्स के अंदर ये जो गेम है वो चल सकती है, अगर इससे छोटा वर्जन है तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ये भी यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो आप देख लें कि आपके मोबाइल का वर्जन कौन सा है। तो आपको मैंने ये भी बता दिया है, अगर आपका मोबाइल का वर्जन भी यहाँ पर बड़ा है, 11 है या उससे बड़ा है, फिर भी आपको ये प्रॉब्लम आती है, तो आप क्या कर सकते हैं इसके अलावा आप कर सकते हैं, आपकी जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है प्ले स्टोर के अंदर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो ऐप स्पॉट देखने को मिल रहा है, इस ऐप स्पॉट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ईमेल लिखा हुआ है, ईमेल पर आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली इस पेज पर आ जाएंगे, रिडायरेक्ट हो जाएंगे जीमेल पर। आपको यहाँ पर एक मेल लिखनी होगी, वो मेल देख लीजिए, ये है, डियर नेटफ्लिक्स टीम, आई एम फेसिंग ए प्रॉब्लम, आई कांट डाउनलोड GTA San Andreas नेटफ्लिक्स, इट शो ए एरर, दिस ऐप इज नॉट कंपेटेबल विद दिस वर्जन, प्लीज फिक्स दिस प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल, थैंक्स नेटफ्लिक्स टीम। और यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर वगैरह लिख सकते हैं और यहाँ पर ऊपर क्लिक करके इसको सेंड कर सकते हैं, ये रिपोर्ट आपको सेंड कर देनी होगी। और साथ में यहाँ पर सेंड के साइड में ही आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर हो सके तो आप यहाँ पर अटैच कर दीजिएगा जो स्क्रीनशॉट वगैरह है जो भी आपको आए, तो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट करके सेंड कर, ये काम आपको कर देना होगा। तो ये काम करने के बाद आपको यहाँ पर एक और काम करके देख लेना होगा, और अगर आप चाहें तो एक और तरीका है वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर आइएगा, प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पर आप सर्च कर लीजिएगा VPN, यहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशंस देखने को मिल जाएंगी, ये है वो एप्लीकेशन, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से ओपन करने के बाद बहुत सारे आपको यहाँ पर सर्वर देखने को मिल जाएंगे, किसी भी सर्वर से आप कनेक्ट हो जाइएगा जो फ्री का सर्वर आपको देखने को मिले, और उससे कनेक्ट होने के बाद जो है आप यहाँ पर प्ले स्टोर में जाकर इसको डाउनलोड करने का ट्राई कर सकते हैं, तो अभी हो सकता है कि आपकी जो गेम है वो इजीली इंस्टॉल कर पाएँ आप, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये कुछ तरीके हैं, इनको इंस्टॉल कर सकते हैं आप, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके लिए और सोल्यूशन लेकर आऊँगा। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द बाय, टेक केयर, लव यू।